डेली कितनी कंप्लेंट्स आती हैं सर? तकरीबन आ जाती है 10 से 15। ये लॉग नहीं हो गया अच्छा, तो क्या मसला है आपको? कौन सी ऐसी चीज आपके पास नहीं है जो आपको हुकूमत दे? तो आप सर ऐसी चीज है, हमारा सबसे मेन मसला जो है क्या नाम है ये जो स्टेशन का कैसे मिल रहा है, क्योंकि हमारा काम ही आपको सहूलियत देना। एक मिनट, आप मेरी इज्जत है, आप यहाँ उधर एस एच ओ साहब को ना देंगे? एस एच ओ साहब को आप दोबारा देखोगे तो एस एच ओ साहब यहाँ नहीं होंगे, आप मुझे देखें बिल्कुल बगैर खौफ के। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको प्रोवाइड की जाए जो आप लगते हैं? मेरी बहन, कोई ऐसा मसला पुलिस स्टेशन के हवाले से किसी भी हवाले से कोई ऐसी चीज? सर ये इंटरनेट की एंट्री लगी हुई है, हमारे आप अकेले ये दोनों ऑपरेट करते हैं? यस सर। सर इस गाड़ी से तो मैं ये वाला कैमरा लगाऊंगा मुतलका टाइम में, इसका ब्लेक बैग निकालूंगा और फिर देखूंगा सर इधर अगर मुझे नजर आया। क्या कह रहे थे आप कि वो बहुत आया था? क्या थोड़ी चल बेटा, जमीन पे क्यों बैठा? अपनी मर्जी से बेटा, डरो नहीं। क्यों जमीन पे बैठे? अपनी मर्जी से बैठे, दर्द हो रहा है बेटा? आप लोगों को कोई मसला तो नहीं है? मत डरे, बैठ बैठो बेटा, बैठो 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 बेटा, आप बैठो। डबल सॉरी बोलो, डबल सॉरी, मोटरसाइकिल प्रॉपर्टी लगी सर, मॉडल आपसे पैसे तो नहीं लिए किसी ने? मत डरे, मैं आपके लिए आया हूँ। नहीं आपसे पक्की बात है? बिल्कुल मत घबराएं। तो आप जब आपको पता है कि डबल सवारी मना है, फिर क्यों आप? आपने पर्चे तो नहीं काटे? नहीं सर, पता नहीं। फॉर्मेलिटी पूरी करें इसे, ठीक है? क्या कर रहे हैं आप? बैठे बैठे जी सर, आप भी डबल सफारी? जी जी सर। बैठे आप बैठे जी सर, आप बैठे ना, आप बैठे, मैं आपके लिए हूँ, बैठे। हाँ ये सर मुझे बताएं, बच्चे जबानी बताएं, जबानी सर जी बच्चे पर अभी हमला हुए था, जो लीगल फॉर्मेलिटी वो पूरी करें, ठीक नहीं सुनी है? लास्ट कौन सी हुई है भैया? 399 निकालो सर, प्रिंट आउट निकालो। क्या मसला है इनका? किसके लिए? अच्छा बैठे बैठे, कितने दोस्त हैं? अकेले खुद खाएंगे? ये जाती है अपना छोटा दूसरा भाई है, वो क्या हुआ अभी जाते हैं से। साहब ने डीसी साहब ने कभी चक्कर लगाया? डीसी साहब नहीं आए, माजी में जो किया आज आप हमारी इज्जत है, आपको हम इज्जत देंगे। यहाँ आने का मतलब ये नहीं था कि खुदा ना खास्ता आपको डराया जाए, आपको प्रेशराइज किया जाए। यहाँ आने का मतलब ये था कि आपके और मेरे बीच में हमारा जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा। हमने आपको
सहूलियात भी देनी है, हमने आपसे काम भी लेना है, लेकिन वो काम जो कानून के दायरे में, आपको इंसानों की तरह ट्रीट करना है। जब आप 16-16 घंटे काम करेंगे तो लाजमी बात है आपका रवैया बदलेगा, इंसान है ना, हम सारे इंसान हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह आप लोगों को खुश रखें, और ये डेटा कल 10 बजे तक मेरे ऑफिस में होंगे।